नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का टीवी इंडिया 18 में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र से, हर शहर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। उत्तराखंड के चमोली जिले में से आ रही बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड के चमोली जिले में रैनी में रविवार सुबह ग्लेशियर फट गया, जहां बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है। इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। वहीं चमोली जिले के नदी किनारे की बस्तियों को पुलिस लाउडस्पीकर से अलर्ट कर रही है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे बसे लोग मकान खाली कराने में जुटे हैं। ऋषिगंगा और तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। अपर जिलाधिकारी टेरी शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि धौली नदी में बाढ़ आने की सूचना मिलने के बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया। सभी थानों और नदी किनारे बसी आबादी को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। इसी केस में भी अलर्ट जारी किया गया है। नदी से बोट संचालन और राफ्टिंग संचालकों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को झील का पानी कम करने का निर्देश जारी किया गया है, ताकि अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने पर अतिरिक्त पानी छोड़ने में दिक्कत ना हो। चमोली के पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि काफ़ी नुकसान की सूचना आ रही है, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। टीम मौके पर जा रही है, उसके बाद ही नुकसान की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सभी टिप्पू मोबाइल मंदिर तो नहीं डूबे, हाँ मंदिर